इट्स ऑल टाइम हाई पे है, और इस बीच हमारे साथ संजीव भसीन जी भी जुड़ चुके हैं। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। तो मार्केट्स में तो बल्ले बल्ले देखने को मिल रही है सर, काफ़ी जश्न यहाँ पे मना रहे हैं। आपने कई समय से हमेशा जो है भरोसा दिलाया है रिटेल इन्वेस्टर्स को, मार्च में भी आपने सही तरीके से गाइड किया था कि उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहिए। अब अप्रैल के पहले ही दिन जब ऑल टाइम हाई लगते हुए हम देख रहे हैं सर, तो क्या पूरे महीने जश्न की तैयारी रखें? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स को। पूरा महीना तो नहीं, लेकिन हाँ, पहले हफ्ते के लिए तो आप इंजॉय करिए पार्टी को, बिकॉज न्यू हाईज आर टू बी रिस्पेक्टेड। और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहे हैं तो पैसा कमाया है। देखो सृष्टि, 21,800 पे थोड़ी सी पेसिमिज्म ज्यादा हो गई थी, तभी मैंने आपको कहा एक्सपायरी 22,400 के पास होगी, और वही हुआ है। और अभी ये एक न्यू हाई है, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। कुछ लार्ज कैप्स आउट परफॉर्म करेंगे और कुछ मिड कैप्स। आपके लिए मैं याद दिला दूं कि 260 रुपए का भाव था हिंद कॉपर का अबाउट वन वीक बैक। मैंने आपको कहा कॉपर प्राइस आर गोइंग थ्रू द रूफ, हिंद कॉपर मिलेगा नहीं। आज देखिए न्यू ऑल टाइम हाई हो गया हिंद कॉपर का। इसी तरह से आपको सेल का था टाटा स्टील और BEL, जो मैंने बहुत जोर से कहा। तो स्टॉक स्पेसिफिक रही है, मुझे अभी भी लगता है HDFC बैंक, विप्रो, एक्सिस, ICICI, ये लार्ज कैप प्राइवेट बैंक विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। और मेरे को यहाँ दो मिड कैप बहुत पसंद है, फेडरल बैंक जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट क्वार्टर देगा इस क्वार्टर में, और रैमको सीमेंट। सीमेंट प्राइसेस आर राइजिंग हायर, और मेरे को लगता है रैमको की जो एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा है वो एज ऑफ नाउ 2 ईयर लो पे है। यू कांट बट मेक मनी इन दी स्टॉक्स। बसीर साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बधाई इस नई ऊंचाई की। शेयर बताइए सर, नई ऊंचाई पर और नए साल में, चूंकि नया साल, नया हफ्ता, नया महीना, सब कुछ नया है, कुछ नए शेयर बताइए सर आप। थैंक यू अभिषेक जी, आपके व्यूअर्स को पहले तो मुबारक जो हमें फॉलो करते हैं, आपके चैनल को देखते हैं, उनमें हिम्मत दिलाई थी। और आपको अभी भी कहता हूँ कि फेडरल बैंक, रैमको, इंडिया बुल रियल इस्टेट, ये इस साल के लीडर्स होंगे। ये आप माने लिख के ले लीजिए दिन और टाइम, 150 रुपए पे फेडरल बैंक, 820 रुपए पे रैमको और 115 रुपए पे इंडिया बुल रियल इस्टेट। ये शेयर यहाँ आपको भाव नहीं दिखेंगे। तो ये मेरे तीन मिड कैप में टॉपिक्स है, और मैं HDFC और मारुति पे बहुत बुलिश हूँ। HDFC मारुति कैन बी आउटलायर फ्रॉम हियर, और इनमें आप अपना पैसा निवेश कीजिए। साथ में आप देखिए मेटल्स में बहुत बढ़िया रंग है, और वो इस कारण से है कि मुझे लगता है कि चाइना की रिवाइवल इज बाउंड टू बी देयर, एंड आई थिंक चाइना का वापसी विल बी वेरी वेरी स्ट्रांगली फेल्ट इन द मेटल सेक्टर। और वो ऑलरेडी है कि टाटा स्टील, हिंद कॉपर न्यू हाइस पे है, तो डिक्लाइन पे इनको लेने का कीजिए। BEL एज अ डिफेंस प्ले इज माई टॉप पिक ओवर हियर, मुझे लगता है ये भी न्यू हाइस को स्केल कर सकता है जल्दी। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपको फिर से बहुत बधाई। आप जल्दी से आ जाइए फिर इंडिया, अभी तो आप लंदन में ही हैं, तो आप आ जाएंगे इंडिया तो फिर आपसे वापस मुलाकात होती है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कि इसी समय सेंसेक्स ऑल टाइम भी हाई आ गया, निफ्टी ऑल टाइम आ गया, सिर्फ बैंक निफ्टी की थोड़ी सी कमी पेशी रह गई है, और एक ना एक दिन मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी भी इसी स्क्रीन पर अपना नाम छापेगा कि मैं भी ऑल टाइम हाई पे हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब मैं एक नए मेहमान को भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ, उनका नाम है रुचित जैन। रुचित, एक बार आप मेरे को अपना टेक अवे दे दीजिए, इस समय मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए, पुराने वाले पोजीशंस जो लेके बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए, नए वाला तो खैर अभी बैठे शांति से, पुराने वालों को इस समय क्या करने की जरूरत है? जी तो डिम्पी जी, आई थिंक नो बहुत अच्छा मौका है, आई थिंक जहाँ पे ऑल टाइम हाईएस्ट टेस्ट हुए, और नो ये मेरे भी कुछ नसीब है कि आपके चैनल पे इसी टाइम पे हो। अब देखिए ऑल टाइम हाई टेस्ट हुए, इसका मतलब ब्रॉडर ट्रेंड तो मार्केट का अभी भी पॉजिटिव है। हमने कुछ ही दिनों पहले करेक्टिव फेस देखा है, तो जिनकी पुरानी पोजीशंस है वो ये मान सकते हैं कि उन्होंने जो बैड टाइम्स था, शॉर्ट टर्म में जो करेक्टिव फेस था वो देख चुके हैं। और अब क्योंकि मार्केट का अपट्रेंड रिजम्पशन हुआ है, सो सबसे बेहतर ये है कि अगर आपने वो बुरे फेज में पेशेंस रखा है और अपनी पोजीशंस को होल्ड किया है ना, तो उनको और ये नए जो शिखर हम देख रहे छूते हुए, उनमें अपने पोजीशंस को और भी कंटिन्यू रखें।
अब मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई आ गया है, तो ऑल टाइम हाई पे यूजुअली यही क्वेश्चन रहता है कि अगले लेवल्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि पुराने कोई रेजिस्टेंस है नहीं देखने के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में रिट्रेसमेंट थ्योरी एक है जो हमें नेक्स्ट टारगेट्स प्रोजेक्ट करने को हेल्प करती है, मतलब जो रिसेंट करेक्शन आता है उस पर हम 127% 161.8% फिबोना की रिट्रेसमेंट के हिसाब से लगाते हैं, और वो हमें प्रेडिक्शन करने को हेल्प करता है कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो जो रिसेंट करेक्शन आया था 22,525 से लेके 21,710, लगभग 800 पॉइंट का करेक्शन था, उसका 127% प्रोजेक्शन आ रहा है 22,750 पे। तो पहला टारगेट आप 22,750 का निफ्टी के लिए मान के चले, ये जो अपमूव है वहां तक एक्सटेंड होगा, और 161.8% रिट्रेसमेंट आ रहा है 23,000 के आसपास, 23,030 टू भी एकदम प्रिसाइज फिगर दो। तो आई थिंक ये मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, अगर अच्छा पेशेंस ये रिसेंट करेक्टिव फेज में रखा है, सो आई थिंक नो ट्रेडर्स जो इन्वेस्टर्स है उनको आई थिंक ये ट्रेंड को अभी भी राइड करना चाहिए, और मे बी 23,000 तक के लेवल्स आते हैं तो वहां पे फिर पोजीशंस को वापस से रिव्यू करें, राइड करते हुए चले। और जबरदस्त एक्शन अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं, और इस बीच सबसे ज्यादा जो चमक दिखा रहा है आज इंडेक्स वो है मेटल इंडेक्स का। आप अगर एफएनओ में देखेंगे तो टॉप गेनर हिंदुस्तान कॉपर, और हमने देखा था कि आपके ही चैनल पे कई सारे एक्सपर्ट्स के रिडार पे हिंदुस्तान कॉपर का शेयर था, हमने एक अच्छा एक्शन इस काउंटर में ऑलरेडी देखा है, आज भी 8.5% की तेजी है। एक बार रोचित आप ही राय दीजिए हिंदुस्तान कॉपर पे, कौन से नए लक्ष्य इस पे ध्यान में रखने चाहिए, और साथ ही कोई अन्य मेटल काउंटर जो कि आपके रडार पे हो, क्योंकि हम देख रहे हैं वेदांता में एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, एनएमडीसी में भी अच्छी तेजी है, जेएसडब्ल्यू टाटा स्टील सब में अच्छा एक्शन देख रहे हैं, और कई सारे काउंटर्स पिछले महीने से ही ब्रेकआउट दिखा रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे, आपका भरोसा सबसे ज्यादा किस पे है? तो कुछ दिनों पहले भी आपके चैनल पे यही मेटल स्पेस की बात हो रही थी, जब हमने मेटल स्टॉक्स में कुछ अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखे, तो दो स्टॉक्स हमने बताए थे, वो था टाटा स्टील और हिंद कॉपर। हिंद कॉपर बेसिकली मुझे याद है जब वो कॉपर के प्राइजेस एकदम शूट अप हुए थे, उस टाइम पे हम बात कर रहे थे कि कॉपर के प्राइजेस अगर इतने चले हैं तो कौन से स्टॉक बेनिफिट हो सकते, तो उसमें हमने कहा था कि हिंद कॉपर चलेगा। और नो टाटा स्टील मेरा दूसरा पिक था विद इन द मेटल स्पेस, टाटा स्टील ने भी आज नए हाइज बनाए हैं, सो आई थिंक ये दोनों ही पिक मैं कंटिन्यू रखूंगा। अगर मेटल स्पेस में करंट लेवल से भी अगर और तेजी अगर आती है तो आउट परफॉर्मेंस ये दोनों स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। तो हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर प्राइस वॉल्यूम एक्शन हिंद कॉपर में भी देखेंगे तो ये रिसेंट अपमूव्स है उसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए, पहले जो रिसेंट हाइस थे 306-307 ऑलमोस्ट वो लेवल्स के आसपास हिंद कॉपर आया है, बट आई थिंक जैसे वॉल्यूम्स हो रहे आई डोंट थिंक ये यहाँ पे रुकेगा, और पॉसिबिलिटी है कि 325-327 तक के लेवल्स हिंद कॉपर में देखने मिल सकते हैं। तो कुछ भी छोटे मोटे डिप्स आए, अभी आज तो ऑलरेडी 8% ऊपर है, तो वो छोटे मोटे डिप्स अगर मिलते हैं नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशंस में तो डिप्स पे हिंद कॉपर और टाटा स्टील ये दोनों प्रेफर्ड पिक्स है विद इन द मेटल स्पेस। मेरे को लग रहा है कि बहुत बढ़िया चलेगा, और मैं इसकी कवायद दूसरी या तीसरी बार आपके सामने बोल रहा हूँ, उस शेयर का नाम है टाटा केमिकल्स, टाटा ग्रुप की कंपनी है, शेयर ज़रा चला नहीं हुआ, इसका ना आप मंथली दिखाना और एक साल का भी दिखाना चार्ट टाटा केमिकल्स का। एक बार प्रशांत जी मेरे को आपका व्यू पॉइंट चाहिए, आज ये फिर से 2.5% ऊपर है, ये अब गिर रहा है तो 1%, बढ़ रहा है तो 2-2.5%, ये किसी भी शेयर के या किसी भी गाड़ी के स्टार्ट होने का पहला सिंबल होता है कि फॉल में कितना डीप कट मारेगा और राइज में कितने अच्छे कट लेगा ऊपर की तरफ में। तो ये अब बेस बना चुका है, अभी क्या चलने को तैयार है, मेरा टारगेट 1400 का है इसमें, 300 रुपये ऊपर का। तो डिम्पी जी सबसे पहले एक अपडेट दूंगा, ऑरो फार्मा का जो टारगेट है वो हिट हो चुका है, 1125-1130 हो चुका है वो। दूसरी बात टाटा केमिकल्स के बारे में डिस्क्लोजर दूंगा कि ये मैंने क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है पोजिशनली, और मेरे टारगेट्स बिल्कुल जो आपने कहे वही है 1350-1400, ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं बट एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। और इसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 1075 क्लोजिंग बेसिस, 1075 जो पिछले हफ्ते एक थोड़ी सी एक हिकअप आई थी वो भी 1080 के आसपास क्लोज हुआ था और ये स्टॉप लॉस बच गया था वहां से, आज तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मूव आई है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें बने रहिए और पोजिशनली ट्रेल करते जाइए, 1200-1250 और इवेंचुअली 1350 तक के लेवल्स नजर आने चाहिए। ठीक है, उम्मीद तो करते हैं कि बढ़िया 1200-1300 तक के लेवल मिलेंगे। टाटा ग्रुप की हम कंपनीज खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ के ऐसे लेके आ रहे हैं कि जहां पर आपको चर्निंग का पार्ट का हिस्सा बनेगा। इससे पहले वाले अगर आपने शेयर ले रखा है तो आपको बधाई है, लेकिन अगर नए शेयर्स भी आप ढूंढ रहे हैं तो उसमें से एक ये वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले हो सकता है। ठीक, तो टाटा केमिकल्स पे मोटा मोटी एक व्यू पॉइंट आपके